सुप्रभात बच्चों, आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है, शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है। अब शब्द वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। क्या बोल रहा है वो, वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे अ प्लस म प्लस र अमर, न स प्लस फ प्लस ल सफल, ठीक है। वो क्या क्या बोल रहा है, अमर सफल अर्थ निकल रहा है ना बेटा। अब देखो नीचे देखना आप, अब इन शब्दों को पढ़िए, र म अ और ल फ स, कुछ निकल रहा है अर्थ निकल रहा है क्या, उल्टा सीधा कुछ भी है तो इसका कोई अर्थ नहीं, तो ये शब्द नहीं है। क्या नहीं है, ये शब्द नहीं है। शब्द वही होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जिनको लिखने से, क्रमबद्ध लिखने से हमें उनका अर्थ हो, उन्हें हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णों के सार्थक मेल को, एक निश्चित अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। ये शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। किसके मेल से बनते हैं, वर्णों के मेल से। वर्ण मीन्स अक्षर, अक्षरों के मेल से बनते हैं। अब वर्णों के जिस समूह का कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। अब देखिए नीचे अनुस्वार, आप देख रहे हैं एक बिंदी लगी हुई है, एक पॉइंट बना हुआ है। वर्ण के ऊपर जब एक बिंदु लगाया जाता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। कैसे होता है बेटा, नाक के द्वारा होता है। देखिए बोलिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। गंगा गंगा, गंध अंदर, हंस चुकंदर, सुंदर ठंड, दंड बंदर, झंडा भंग, चंद्र मंगल, रंग बंधन, लंबा पलंग और यंत्र। ये शब्द जब हम बोलते हैं तो उच्चारण नाक के द्वारा आता है, थोड़ा सा दबाव पड़ता है नाक पर, आप देखिएगा बोल बोल के, ठीक है। अब देखिए अनुनासिक, देखिए किस तरह चंद्रबिंदु बनता है ना, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। वर्ण के ऊपर जब चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, वर्ण मीन्स अक्षर, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। बेटा मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, आपके पास बुक नहीं है, आपको इसी बुक के द्वारा पढ़ना है। ये जो मैं आपको भेज रही हूँ ना, इसी के द्वारा पढ़ना है। मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी, आपको वो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पहले भी जो मैंने कराया है फर्स्ट लेसन, उसकी वर्कशीट मैं भेजूंगी आप लोगों को। आप इसमें से पढ़कर और इसमें से समझकर उस वर्कशीट को पूरा कीजिएगा। आपके पास बुक नहीं है, उस वर्कशीट को लिख लीजिएगा, फिर वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपके पास बुक नहीं है, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी से ही आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए वर्ण के ऊपर जब चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। किससे होता है, नाक और गले से। खुशियाँ गाड़ियाँ, सांस ऐसे बोलो, आँत कांच, जांच छांव, आंगन आँख, सांप गांव। नाक और गला दोनों पे दबाव पड़ रहा है, देखो। पूछ मुंह, कुआ यहाँ वहाँ, टांग बांध, ठीक है।